बिहार से नकली नोटों की खेप लेकर जबलपुर जा रहे कार सवार तीन बदमाशों को मैयर पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया, मगर दो आरोपी चकमा देकर भाग निकले। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 1,92,000 रुपए के नकली नोट और एक स्विफ्ट कार भी जब्त कर ली। मैयर पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे से स्विफ्ट कार में सवार होकर 5 आरोपी 100 और 200 रुपए के नकली नोट लेकर जबलपुर की ओर जा रहे हैं। पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके कार रुकवाई। जब कार की चेकिंग की गई तो उसमें लाखों के नकली नोट बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गए। आरोपियों के पास से जो नोट बरामद हुए हैं उसमें 100 और 200 रुपए के नकली नोट हैं। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इसमें जो प्रमुख बात सामने आई है वो ये है कि इसमें जो तीन बदमाश पकड़े गए हैं और एक जो फरार हो गया है, तीनों बदमाश हिस्ट्री सीटर हैं। सौरभ तोमर जो कि ग्वालियर का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक लूट का मुकदमा मंडला में दर्ज हुआ था जिसमें इसने सुनार को गोली मार के पैसे लूटे थे। इसके अलावा थाटीपुर और यूनिवर्सिटी में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है। इसके अलावा अंकित पटेल उर्फ बड्डू पटेल जो कि जबलपुर का गढ़ापुरवा का रहने वाला है, इसके खिलाफ जबलपुर में संजीवनी नगर थाने में लगभग 32 से लेकर 33 अपराध पंजीबद्ध हैं। इन सभी लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर पीआर पर लिया है और इनके स्रोत की जानकारी पता लगाई जा रही है। आगे जो तथ्य सामने आएंगे उन्हें रखा जाएगा। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।